तो रवि तेजा की नई मूवी आ गई जिसमें वो इनकम टैक्स ऑफिसर बने हैं। और इस मूवी की स्टार्टिंग होती है, एक अमीर आदमी बहुत सारे पैसे लेकर जा रहा था, लेकिन कुछ गुंडे उसका किडनैप करते हैं, पैसा छीनना चाहते थे वो। लेकिन तभी वहाँ बच्चन आता है, वो सारे गुंडों को मारता है और उनका बैग वापस दिलवाता है। अमीर आदमी का आदमी कहता है, ये तो गोल्ड है, इसे मत छोड़िए, इससे अपनी बेटी की शादी करवा दीजिए। अमीर आदमी कहता है, हमें जाति भी पता करनी पड़ेगी पहले। अमीर आदमी का आदमी उसका पूरा नाम पूछता है, बच्चन बताता है। आदमी खुश होता है क्योंकि वो उसी की जाति का था। आदमी उससे पूछता है, मेरी बेटी से शादी करोगे? बच्चन कहता है, अगर बेटी अच्छी होगी तो जरूर, वैसे भी मेरे घर वाले लड़की ढूंढ रहे हैं, मैं अपने घर वालों को लेकर आता हूँ, हम लोग बड़े खानदानी हैं। अमीर आदमी मान जाता है और जब बच्चन अमीर आदमी की बेटी को देखता है, वो ओवरवेट थी। बच्चन को वो फिर भी पसंद आ जाती है, लेकिन उसकी मौसी कहती है, बेटा तू रुक, दहेज कितना मिलेगा? अमीर आदमी कहता है, जितना तुम्हें चाहिए उतना मिल जाएगा। उसकी मौसी कहती है, जितना आपकी बेटी के वजन उतना सोना दे पाओगे? आदमी ईगो पे कहता है, हाँ जरूर। और वो अमीर आदमी अपनी बेटी की वजन के बराबर सोना रखता है, लेकिन वो काफी नहीं था। बच्चन कहता है, ससुर जी कैश भी चलेगा। और अमीर आदमी अपना सारा कैश भी लाता है ईगो में आकर, क्योंकि बच्चन की मौसी उसका मजाक उड़ा रही थी, उसने उसकी अमीरी का काफी मजाक उड़ा दिया था। और आखिरकार वो अमीर आदमी इतना पैसा और सोना रख देता है कि वो उसकी बेटी से ज्यादा हो ही जाता है। फिर बच्चन कहता है, अरे ससुर जी ये सब देखने के बाद तो मेरी हाँ है, हाँ है। और तभी वो कहता है, ऑफिसर सब सीज करो। और अमीर आदमी हैरान होता है और हमें पता चलता है बच्चन इनकम टैक्स की रेट अलग स्टाइल से मारता है। जितने भी उसके फैमिली वाले बन के आए थे वो उसके ऑफिसर्स थे, और उस अमीर आदमी का सारा पैसा सीज होता है। बाद में हमें दिखता है वो एक मिनिस्टर से लिफ्ट लेता है और मिनिस्टर उसकी बहुत तारीफ करता है। वो पूछता है, तुम्हारा नाम बच्चन क्यों है? बच्चन बताता है, उसके पापा ने जब शोले पहली बार देखी थी वो बच्चन के फैन हो गए थे, इसलिए उन्होंने उनका नाम चेंज करके बच्चन रख दिया था, और बच्चन के पापा को पुराने गानों का शौक था। फिर वो कहता है, हमारा देश काले धन से परेशान है, गरीबी से नहीं, इसलिए मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करता हूँ। और बच्चन इनकम टैक्स ऑफिस जाता है। अमीर आदमी गुस्से में बैठा हुआ था, वो गुस्से में कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देकर मेरा पैसा सीज करने की? पैसा तो मैं अपने आप वापस ले लूंगा, लेकिन तेरी नौकरी खा जाऊंगा। अगर तू चाहता है कि मैं तुझे छोड़ दूं तो चुपचाप मेरे पैरों पर गिर के माफी मांग, तब जाके मैं तुझे माफ करूंगा। बच्चन दरवाजा बंद करता है और कहता है, सबके सामने इज्जत है और इस काम में तो ऐसा होता ही है। वो नीचे झुकता है, अमीर आदमी की चप्पल उठाता है और उस आदमी को ही मारता है। अमीर आदमी गुस्से में कहता है, तू मुझे जानता नहीं है, मैं बहुत पावरफुल हूँ। बच्चन हंसते हुए कहता है, पावरफुल? एक 4000 कमाने वाले एम्प्लॉय ने तुम्हें मारा, इसमें कैसी पावर? अमीर आदमी कहता है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बच्चन कहता है, जो करना है कर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और सीन शिफ्ट होता है, बच्चन अपने घर आता है। वो सस्पेंड हो गया था लेकिन वो अभी भी खुश था पहले की तरह। वो अपनी फैमिली के साथ मंदिर जाता है और उसके बाद भगवान के दर्शन करता है। और जिक्की नाम की लड़की का दुपट्टा साइकिल में फंसता है। बच्चन दुपट्टा निकालता है और उसे इसके बाद जिक्की से प्यार हो जाता है और वो उसे मंदिर में फ्लर्ट करता है, उसका पीछा करता है। बच्चन की तो नौकरी चली गई थी, इसलिए वो अपने दोस्त के साथ ऑर्केस्ट्रा में काम कर रहा था, गाना गा रहा था। वो वापस एक शादी में जिक्की से मिलता है, वो फिर उससे फ्लर्ट करता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ अच्छी यादें बनाना चाहता हूँ, तुम्हारा साथ हमेशा देना चाहता हूँ। जिक्की कहती है, मैं अनकंफर्टेबल हो रही हूँ, अपनी हरकतें बंद करो। बच्चन उदास होकर उसे जान देता है। बाद में हमें मुतय्यम दिखाया जाता है जिसके पास इनकम टैक्स ऑफिसर आता है उसे अरेस्ट करने। मुतय्यम कहता है, अरेस्ट छोड़, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पे आने की? मेरी मार से पहले तेरे अंदर मेरा डर होना चाहिए, कैसे आया बता? ऑफिसर नहीं डरता, वो कहता है, मैं तुमसे नहीं डरता, अगर तुमने मुझे कुछ किया पूरी फोर्स आएगी तुम्हारे घर पे। मुतय्यम कहता है, अच्छा। मुतय्यम ऑफिसर के पैरों पे बुलडोजर चलवा के मार देता है उस ऑफिसर को। और उस ऑफिसर की बीवी अपने बच्चे के साथ मिसिंग कंप्लेंट करने आती है, पुलिस वाला नहीं सुनता, वो उसे टाल के भेज देता है क्योंकि वो भी मुतय्यम से डरता था। और जिक्की के पापा आते हैं, वो मुतय्यम के यहाँ काम छोड़ना चाहते थे, क्लर्क का। मुतय्यम उन्हें मार के भेज देता है। वो कहता है, शुक्र मना, मैं तुझे जान से नहीं मार रहा क्योंकि तूने मेरे वहाँ इतने साल वफादारी से काम किया है, जाके मंदिर का पुजारी बन जा। जिक्की के पापा मंदिर की सेवा करने के लिए पुजारी बन जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, जिक्की गलती से बच्चन के घर आती है। वो बच्चन की पड़ोसी थी, बच्चन काम से बाहर ही रहता था, लेकिन जिक्की उसके पेरेंट्स को अच्छे से जानती थी। बच्चन कहता है, क्या पता हमारी जोड़ी किस्मत ने लिखी है। जिक्की का फोन खराब हो गया था, घर का लैंडलाइन। बच्चन चेक करने जाता है और बच्चन की रिलेटिव फोन करके कहती है,
हमने तुम्हारे लिए अच्छी लड़की देखी है, दहेज भी अच्छा मिल रहा है। बच्चन कहता है, मना कर दो, मुझे लड़की मिल गई है प्यारी सी, मैं उसी से शादी करूंगा। जिक्की समझ जाती है, उसे गुस्सा आता है। बाद में जिक्की अपने पापा के लिए गाने भरवाने आती है बच्चन के दोस्त की दुकान पे, और राजेश खन्ना और बच्चन के गाने भरवाती है, लेकिन बच्चन उसको अपने लव प्रपोजल रिकॉर्ड करके दे देता है। वो दिल से अपनी सारी फीलिंग रिकॉर्ड करके दे देता है। जिक्की सुनती है, उसे अच्छा लग रहा था। बाद में बाहर बच्चन कुमार सानू के गाने गा रहा था। जिक्की के पापा को गुस्सा आता है क्योंकि वो किशोर कुमार के गाने सुन रहे थे। वो उसे बंद करवाने के लिए कहते हैं। जिक्की जाती है, जिक्की बंद करने के लिए कहती है, बच्चन मना करता है। जिक्की कहती है, नहीं तो तुम्हारे साथ बुरा होगा। बच्चन कहता है, बुरा तो तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारे पापा बी साइड वाली रिकॉर्डिंग सुनेंगे। जिक्की को याद आता है उसमें बच्चन की रिकॉर्डिंग थी। वो जल्दी भागते हुए जाती है और उसके पापा के रिकॉर्डर के बजने से पहले वो बंद करती है और उन्हें सोने के लिए कहती है। उसके पापा मान जाते हैं, बच्चन खुश होता है। बाद में होता है, मिनिस्टरों से मिलता है। वो सारे मेंबर्स को बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठा रहा था। वो एक मिनिस्टर को भी धमकी देता है और सीन शिफ्ट होता है। बच्चन घर जाता है, उसके पेरेंट्स पिटे हुए थे, उन्हें किसी ने मारा था और जिक्की को भी किसी ने मारा था। बच्चन गुस्से में कहता है, क्या हुआ यहाँ? और जब उसे पूरी बात पता चलती, वो पेट्रोल लेके सीधा मोतियाम के रिश्तेदार के पास जाता है जो फंक्शन कर रहा था। उसके आदमियों ने जबरदस्ती बच्चन के पेरेंट्स को मार पीट के लाइट का कनेक्शन लिया था। बच्चन सीधा चलाने की धमकी देता है और जल्दी सबके सामने अपने पेरेंट्स से माफी मांगने के लिए कहता है। मुतयम के रिश्तेदार के पास चारा नहीं था, उसे माफी मांगनी पड़ती है डर के मारे। जिक्की बच्चन से इंप्रेस हो जाती है। बाद में जिक्की के पापा गुस्सा करते हैं क्योंकि उन्हें पता था मुतयम कितना खतरनाक आदमी है। लेकिन जिक्की कहती है, बच्चन सही था, वो अपनी फैमिली के लिए खड़ा हुआ, उसकी गलती नहीं थी। जिक्की बच्चन को पसंद करने लगी थी। दोनों एक साथ काफी रोमांस करते हैं, खुशी से समय बिताते हैं। जिक्की बच्चन को कहती है, मेरे पापा रिश्ता देख रहे हैं। बच्चन कहता है, मैं देख लूंगा। बाद में जिक्की के पापा मंदिर में रिकॉर्डर बजाते हैं जिसमें बच्चन कहता है, अगर तुम्हारे पापा हमारी शादी के लिए नहीं माने तो हम लोग भाग के शादी कर देंगे और उन्हें मानना ही होगा। जिक्की के पापा की बहुत बेइज्जती होती है, वो रोने लगते हैं, उन्हें गुस्सा आता है। जिक्की के पापा जिक्की पे गुस्सा करते हैं। बच्चन भी आता है उसकी फैमिली के साथ। वो कहता है, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। जिक्की के पापा कहते हैं, तुम्हें तो रिश्वत की वजह से सस्पेंड कर दिया था, तुम्हारे पास जॉब भी नहीं है। तभी उसे फोन आता है लैंडलाइन पे। जिक्की के पापा उठाते, एक आदमी कहता है, बच्चन का सस्पेंशन रुक गया, उसे ड्यूटी अभी ज्वाइन करनी है। बच्चन सुनता और जिक्की के पापा को अब कोई दिक्कत नहीं थी शादी से। जिक्की और बच्चन खुश हो जाते हैं। बाद में बच्चन का सीनियर उसे बताता है, तुम्हें एक बड़े आदमी के घर पे छापा मारना है। बच्चन कहता है, कितना भी बड़ा आदमी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुतयम को पता चलता है उसके रिश्तेदार को टिकट नहीं मिला। उसे गुस्सा आता है, वो अपने रिलेटिव का गला दबाता है और पूछता है, क्या हुआ था? रिलेटिव सब बताता है कि बच्चन ने सबके सामने सॉरी बुलवाया था। मुतयम को गुस्सा आता है, वो जान से मारने वाला था बच्चन को। वो अपने आदमियों के जरिए बच्चन को ढूंढवाता है और बच्चन खुश अपने ऑफिसर के साथ मुतयम के घर आता है छापा मारने। और मुतयम हंसता है और बच्चन भी मुतयम के आदमी को देख के हंसता और कहता है, अरे वाह, रेड में मजा आने वाला है। मुतयम हंसते हुए कहता है, तू मारेगा मेरे घर में रेड? तुझे पता भी है मैं 3 बार का एमएलए 2 बार का एमपी हूँ, मेरी पावर का पता भी है तुझे? बच्चन हंसते हुए कहता है, 5 साल की नौकरी 72 रेड और 3 बिलियन का खाला धन सीज कर चुका हूँ मैंने, तेरे जैसे कितनों को हैंडल किया है। मुतयम को गुस्सा आता है, वो बच्चन के अंदर डर भरना चाहता था। बच्चन नहीं डरता, वो कहता है, ये हमारे रिकॉर्ड की सबसे बड़ी रेड होगी, खाली हाथ मैं नहीं जाने वाला। मुतयम कहता है, कर लो जितनी कोशिश करनी है, ढूंढ लो जितना भी ढूंढना है, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। बच्चन कहता है, देखते हैं। और बच्चन और उसके ऑफिसर हर जगह तलाशी करते हैं। मुतयम रिलैक्स था, वो हंसते हुए बार बार बच्चन से कह रहा था, कुछ मिला? बच्चन को गुस्सा आ रहा था, उसके ऑफिसर को लास्ट तक कुछ नहीं मिलता। बच्चन परेशान होता है। मुतयम हंसते हुए कहता है, तुम्हें झुनझुना भी नहीं मिलेगा, जाओ अब अपने सीनियर को फोन करो और कहो तुम्हें कुछ नहीं मिला, तुम कितनी भी कोशिश कर दो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, जाओ फोन करके कह दो कि एड्रेस गलत था। बच्चन फोन करता है लेकिन वो कहता है, सर आपकी खबर सही निकली, हमें भर के पैसा और सोना मिला है। मुतयम हैरान होता है, बच्चन गुस्से में देखता है और कहता है, तूने एक बार भी ये नहीं कहा कि तेरे पास काला धन नहीं है, तूने कहा ढूंढ सको तो ढूंढ लो, तू टेंशन मत ले, मैं तेरा सारा ब्लैक मनी ढूंढ के दिखाऊंगा, मैं तेरे घर से खाली हाथ नहीं जाऊंगा कुछ भी हो जाए। मुतयम को गुस्सा आता है, तो क्या बच्चन मुतयम के घर से ब्लैक मनी ढूंढ पाएगा?
और मुतैम क्या करेगा, ये सब आपको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा जो जल्दी आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।